नमस्तु महाराज श्री नमस्तु नमो मैं मेरा अपना भावना योग का अनुभव बता मैं मेरा भावना योग का अनुभव बता रही हूँ। 1920 के टाइम कोविड चल रहा था, तभी मेरे पीठ में बहुत दर्द था, डॉक्टर के पास जाने का भी डर लग रहा था, हॉस्पिटल सभी बंद थे, तो मैं क्या करूँ इस विवंचना में थी। तभी मुझे डॉक्टर पाटोदी और सरोज कोठारी का फेसबुक में मैंने पढ़ा कि भावना योग मैं पहले से ही करती थी, लेकिन अच्छा मार्गदर्शन नहीं था। रोज़ सुबह 21 दिन का सेशन चालू रहा और मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने 3 महीने का भी आगे बढ़ा लिया। तो उसी टाइम एक दिन आया, गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैं भावना योग के लिए बैठ गई। महाराज जी आपको और आचार्य श्री विद्यासागर जी को नमोस्तु करके मैंने भावना योग चालू किया। तो सोहम जैसे ही चालू हुआ तो प्रमाण सागर जी महाराज जी आपका हाथ ऐसे आ गया और हाथ में से ऐसे किरण आ गए, ऐसे बिजली जैसी चमकती है ना, ऐसे किरण आ गए और मेरे पीठ पे मेरे सिर पे पूरे ऐसे प्रकाश किरण हो गए। और उसी क्षण पीठ में से मुझे कड्ड ऐसा जोर से आवाज़ आया महाराज श्री, और उसी वक्त मेरा पीठ दर्द पूरा बंद हो गया और आज तक नहीं। नमस्ते महाराज। और महाराज श्री कल हम लोग सुबह पहाड़ वंदना के लिए निकल रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। नमस्ते। देखिए अब आपका पीठ दर्द पूरी तरह ठीक है? नहीं महाराज जी, पूरी तरह बंद है। कोई दवाई नहीं ले रहे? नहीं जी नहीं, कभी कभी कैल्शियम और ये ले लेते हैं। ठीक है, वो तो रूटीन की चीज है। ये आपकी श्रद्धा का चमत्कार है। और मैं सभी से कहूँगा, ऐसे प्रायः रोज ही किसी न किसी के अनुभव आप लोगों तक आते हैं, आप इस अनुभव का लाभ उठाएं। ये अनुभव आपका निजी अनुभव भी बन सकता है, बशर्ते हमारे मन में वैसी श्रद्धा हो और तत्परता हो। हम लोगों के साथ एक बड़ी विचित्रता है कि हम लोग चीज़ें तो हमें मिलती है उसका लाभ उठाना नहीं जानते, आलस कर जाते हैं। सही तरीके से हम मूल्य समझे, महत्व समझे और उसका सही प्रयोग करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन इस विषय में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने ये धारणा बना दी कि अब तो कोई भी बीमारी हो भावना योग करो ठीक हो ही जाएगा। अब फिर नहीं होता तो कहते हैं हमने इतने दिन किया तो भावना योग से कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि भावना योग से सारी बीमारी दूर हो जाएगी, इस विश्वास से भावना योग मत करो। भावना योग करते रहने वाला हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, इस भाव से भावना योग करो। आप नियमित भावना योग करिएगा तो बीमारी होगी ही नहीं। मैं ये बात बिल्कुल खारिज करता हूँ कि बीमारी भावना योग सब बीमारियों की दवा है, फिर अस्पताल किस काम के। लेकिन बीमारियों के सेटल होने से पहले यदि आप भावना योग करने लगोगे तो आपकी बीमारी ठीक भी हो सकती है और जहाँ के तहाँ स्थिर भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं, इसलिए ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप उसका कैसा प्रयोग करते हैं।